गर्ल्स लेडीज आप लोग बहुत देखते होंगे इंस्टाग्राम पे है ना, बिल्कुल ही पतली कमर या फिर सिक्स पैक्स या फिर बॉडी परसेंटेज कम कर लो। अगर आप जिम जाते हैं तो वहां पे आपका बॉडी परसेंटेज चेक किया जाता है कि आप इतना ले आओ बॉडी परसेंटेज, उतना ले आओ। मैं आपको एक पते की बात बताऊं, आपको ना कोई सिक्स पैक्स की या बिल्कुल बॉडी परसेंटेज लो करने की जरूरत नहीं होती, स्पेशली फीमेल्स। मेल्स करें ठीक है, वो अपने 18 भी लेके आ सकते हैं बॉडी परसेंटेज, 21 तक भी लेके आ सकते हैं, जितना लेके आना उनको लेके आने दो। पर लेडीज अगर आप बॉडी फैट ज्यादा कम करते हैं, हमारे लिए जो बॉडी फैट परसेंटेज है ना वो 25-30 तक बिल्कुल आइडल है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। अगर 25 या 24 से नीचे आपकी परसेंटेज जाती है फैट की, तो क्या होता है कि फैट हमारे हार्मोनल सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो लो हो जाएगा, हमें स्ट्रेस हो जाएगा और हमारे हार्मोन्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ की बढ़ जाएंगी। सो लिटिल बिट मोर फैट इज गुड फॉर यू। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बैली फैट हो या कुछ हो चीजें, बट हाँ आपको बिल्कुल स्किनी होने की, बिल्कुल मस्कुलर होने की जरूरत नहीं होती। आपके मसल्स स्ट्रेंथन जरूर होने चाहिए, आपका बॉडी जो है वो शेप में जरूर होना चाहिए, टाइट टोनिंग जरूर होनी चाहिए, बट आपको बॉडी परसेंटेज 18, 19, 20, 21 करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, अलग अलग चीजों का सेवन कर रहे हैं, वो डिफरेंट बात है। बट मैं नॉर्मली उन लेडीज को या गर्ल्स को बोल रही हूँ, यंग गर्ल्स को, जो इंस्टाग्राम पे मॉडल्स को देख के या चीजें देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमें इतनी पतली कमर चाहिए या हमें एब्स चाहिए या मैंने क्रॉप टॉप डालना है एंड ऑल स्टफ। बिना पैक निकाले भी आप क्रॉप टॉप डाल सकते हो, आपका स्टमक नॉर्मली फ्लैट होना जरूरी है, जो कि आपकी इंटरनल मेंटल एंड एक्सटर्नल हेल्थ को दर्शाता है। उसके लिए आपको सो कॉल्ड बिल्कुल स्किनी होने की, अपनी नर्व्स मसल्स दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती।